रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आज मसाला किचन में बन रही है कॉर्न की 3 रेसिपी। त्योहार में जब कभी मन करे कुछ अलग खाने का, कुछ टेस्टी खाने का, तो ये कॉर्न की 2-3 रेसिपी आप देख लीजिए। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे बना सकते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। रक्षाबंधन पर ढेर सारी मिठाइयाँ तो आपने बनाई होंगी। हमें कुछ मीठे के साथ नमकीन भी चाहिए होता है, जिससे खाने में बड़ा मजा आता है। और ऐसा नमकीन होना चाहिए जो मौसम के अकॉर्डिंग भी हो, इजीली बन भी जाए। तो आज लाई हूँ भुट्टे के 3 नाश्ते, तो जरूर ट्राई कीजिए। तो बारिश के सीजन में ये हमें भुट्टे तो बहुत बढ़िया मिल ही रहे हैं। चलिए इन भुट्टे को सबसे पहले छील लेते हैं। छीलने के बाद इसे हमें दाने कैसे निकालते हैं ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप देख लीजिए कैसे हम आराम से घर में दाने निकाल सकते हैं। और एक बात, अगर आप चाहते हैं बाहर से ही दाने निकले हुए अगर आप लाते हैं तो उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रोजन कॉर्न भी जो आते हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने खूब सारे दाने निकाल लिए। करीब करीब 2 बड़ी कटोरी है मेरे पास दाने निकले हुए, जिन्हें मैंने पानी में भिगा दिया है। अब ये फ्रोजन कॉर्न नहीं है तो इन्हें हमें थोड़ा सा बॉईल करना होगा। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है गरम करने के लिए। जैसे ही पानी अच्छे से गरम हो जाए तब आप ये कॉर्न इसके अंदर डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए नमक और आधा चम्मच डाल दीजिए चीनी। वैसे तो ये कॉर्न बहुत ही बढ़िया मीठा होता है, पर थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। जैसे ही आपको लगे कि ये कॉर्न उबल के ऊपर तैरने लग गए, मतलब ये कॉर्न उबल चुके हैं। जब अच्छे से ऊपर आ जाएं सारे के सारे कॉर्न, तब आप एक काम कीजिए, एक साइड एक बर्तन में पानी रखिए ठंडा और आइस के क्यूब्स, और इन्हें कॉर्न को निकालते हुए उस ठंडे पानी में डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, इसकी कुकिंग रुक जाएगी यहीं पर ही और ये बढ़िया से कॉर्न बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम जो पहला तरीका बना रहे हैं वो ये रहेगा कि इस कॉर्न का पूरा पानी निकाल चुके हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं। मैंने 2-3 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, 2-3 चम्मच मैदा, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। और दोनों को मिक्स करने के बाद उस कॉर्न के ऊपर एक परत सी डाल देते हैं, मतलब एक ड्राई पाउडर इसके ऊपर डालने से एक बढ़िया सी कोटिंग मिल जाएगी इसको। आज मैं लहसुन प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके लिए लहसुन प्याज बहुत सारा यूज़ कर सकते हो आगे जाके, जो मैं इसके लिए मसाला बनाऊंगी। पर क्योंकि अभी त्यौहार चल रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लहसुन प्याज हमारी तरह आप लोग भी नहीं खाते होंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग कर दी है और बहुत ही बढ़िया से ये ड्राई हो गए हैं। अब चलते हैं, एक पैन रखते हैं, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसी तरीके से इसे फ्राई कीजिए। फ्राई करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, कभी कभी होता ये है कि जब ये फ्राई होता है तो कभी कभी फट जाता है, फट के एकदम छींटा ना आए आपके ऊपर। तो एक जाली रखिए इसके ऊपर, जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे और बढ़िया से ये फ्राई भी होते रहे। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए तब आप निकाल सकते हैं इसे। आपको फ्राइड नहीं खाना है तो वो भी रेसिपी आगे है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसी तरीके से मैं सारे कॉर्न को फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी से कॉर्न फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है जिसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब यहाँ मैं क्योंकि गार्लिक नहीं डाल रही, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, मैंने गार्लिक नहीं डाली। मैंने लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं और शिमला मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। अभी हरी प्याज भी हमें नहीं मिल रही है और हरी प्याज भी मैं नहीं डालने वाली, अगर आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डालिए अच्छे से काली मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा डाल दीजिए नमक, नमक यहाँ पर आप बहुत ध्यान से डालें क्योंकि कॉर्न में भी डाला था और हम सॉसेस भी डालने वाले हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप टमेटो केचप, इसे भी इसी तरीके से पका लेते हैं। यहाँ मैंने आधे कप पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दिया है।
मैं दूसरी सॉसेस इसलिए नहीं डाल रही कि आज मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे चाइनीज स्टाइल कॉर्न कैसे बनाए जाते हैं क्रिस्पी वाले, उसकी रेसिपी मैं नीचे दे दूंगी, मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। पर जब कभी हमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये सॉस बिना प्याज लहसुन वाली थी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च देके इसमें अच्छा सा कलर दीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था वो डाल दिया है मैंने। इसे अच्छे से पकाइए। अब चाहे तो आप सिरका डाल दीजिए एक चम्मच या नींबू का रस डाल दीजिए। इसे भी अच्छे से पकने दीजिए। अब आप क्रिस्पी कॉर्न डाल सकते हैं। थोड़े कॉर्न मैंने अलग से बचा के रखे हैं, वो मैं आपको बाद में दूसरी रेसिपी बता रही हूँ। फटाफट फुल गैस पर आप इस तरीके से चला लीजिए। ये गर्मा गर्म कॉर्न आपको बेहद पसंद आएंगे, बनना भी आसान है और भाइयों को भी बेहद पसंद आते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें नमकीन रेसिपी भी ऐसी चाहिए होती है ना राखी की वजह से। यहाँ मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़े से हरे धनिया की गार्निश कर दी है। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। कई बार हम लोग कुछ नाश्ते बनाने की सोचते हैं तो ये नाश्ता आपको बेहद पसंद आने वाला है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब बनाते हैं कॉर्न की एक दूसरी रेसिपी जो अक्सर हमें थिएटर में मॉल में मिलते हैं। अब इसमें मैंने एक पैन रखा, पैन में मैंने डाला थोड़ा सा बटर और फिर एक कॉर्न डाल दीजिए और इन्हें थोड़ा पकने दीजिए। बस इस कॉर्न में प्रॉब्लम यही है कि जब आपको खाना है तभी बनाइए, वरना श्रिंक हो जाते हैं। अब आप लीजिए थोड़ा थोड़ा मसाला, जैसे नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, थोड़ा चाट मसाला है, थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं। ये सारी चॉइस आपकी, आपको क्या डालना है। अब क्योंकि कॉर्न में काफ़ी सारा पानी था और बटर के साथ जब वो पक रहा है तो पहले थोड़ा उसका पानी सूखने देना है। जब पूरा पानी सूखने वाला है तभी ये मसाले डालिए। अब डाल दीजिए इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा बटर मैंने ऊपर से भी डाल दिया है और धनिया की गार्निश कर दी है। ये कॉर्न खाने का मजा ही कुछ और है। इतने महंगे मिलते हैं और घर में बन जाते हैं मिनटों में, क्यों ना इसे बनाकर एंजॉय किया जाए। बारिश भी है, त्योहार भी है और फिर छुट्टी भी होती है, कुछ नया खाने का मन भी करता है। अब इसे मैं उसी ग्लास में सर्व कर रही हूँ जैसे थिएटर में हमें मिलते हैं। तो इसे भर कर आप इस तरीके से एक ग्लास में सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी बचे भी हैं, दूसरा ग्लास भी सर्व हो सकता है। तो इस तरीके से दूसरी रेसिपी भी आपने देख ली। अब बनाते हैं तीसरी रेसिपी, जिसे मैंने कॉर्न को पहले फ्राई तो किया है लेकिन इसे सॉसेस के साथ नहीं बनाने वाले। मतलब एक नमकीन जैसे चाय के साथ हम खाते हैं ना, ये उस टाइप से बनाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा नमक लिया है मैंने, काला नमक, थोड़ा सादा नमक, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाट मसाला ले रही हूँ। मेरे पास आज पुदीना पाउडर नहीं है, नहीं तो पुदीना पाउडर डाल सकते थे। बस ये गर्मा गर्म कॉर्न के ऊपर इस तरीके से ड्राई मसाला डालिए और ढक्कन लगा के इसे शेक कीजिए। बस ये बहुत ही बढ़िया मसाला इसके अंदर चिपक जाता है। जिस किसी को चाट के साथ या ऑयल के साथ, ज़्यादा बटर के साथ नहीं बनाना है, प्याज के साथ नहीं बनाना है, तो ये भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये बर फ्राइड हैं, वो स्टीम्ड हैं, वो सॉसेस वाले हैं। तो तीनों टाइप के मैंने कॉर्न आपको बता दिए हैं। आपको जो मन करे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे नाश्ते बहुत पसंद आएंगे। मैंने कर दिया थोड़ा सा धनिया की गार्निश, हरी मिर्चें साथ में रख दिए हैं, फ्राई करके भी रख सकते हो और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस तरीके से कॉर्न की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप और किस टाइप के कॉर्न बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।